तो चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट कराई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में मैंने पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था, बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। उसको यूज कैसे करते हैं ये मैंने टेक्निक बताई थी। क्या टेक्निक बताई थी, दो क्राइटेरिया बताए थे, एक साइन के अंदर की क्वांटिटी जीरो की ओर मूव करनी चाहिए और दूसरा नीचे वही सेम चीज चाहिए जो साइन के अंदर है। जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तो फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर वन आएगा। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो फिर आप फॉर्मूला नहीं लगाते, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। फिर मैंने शॉर्टकट बताया था कि अच्छा, सीधे अगर साइन के अंदर की क्वांटिटी जीरो की ओर मूव कर रही है तो आप साइन को हटा देते हो और अंदर की क्वांटिटी डायरेक्टली लिख देते हो। फिर मैंने एक रिजल्ट याद करने के लिए बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए हाफ होती है, आपको सीधे जरूरत पड़ती है इसकी कई बार। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, आगे एक लास्ट एग्जाम्पल लिखिए और इसके थ्रू भी मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बस मैं एक अप्रोच बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको बताना है इवेल्युएट करके लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स, इसको इवेल्युएट करना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ठीक, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इसको मैं करता हूं, ये जस्ट एग्जांपल है, आई नो कि बहुत सारे लोग इसको इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे दो अप्रोच है, एक तो ये कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है लिमिट में, साइन का फॉर्मूला पढ़े हो, एक रास्ता ये है कि आप इसको साइन में बदल दो, वन ऑफ द मेथड कि आप इसको क्या करो, साइन में बदल दो। कैसे बदलोगे साइन में, आप कॉस एक्स को लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे इसको भी आप वही पाई बाई टू माइनस एक्स में बदल सकते हो, टू कॉमन निकाल के और पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये अब साइन के अंदर की क्वांटिटी जीरो की ओर मूव भी कर रही है, वही सेम चीज नीचे है, तो ये फॉर्मूला लग के ये हाफ आ जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं, है ना, इसका कोई वही नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ ये सुनिए। एक तो अप्रोच ये है कि इसको साइन में बदलना है, और एक अप्रोच और सुनिए, बड़े काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आप इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। ये तो क्वेश्चन था कि आपके पास दिमाग में आ गया कि अच्छा इसको साइन में बदल दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, आपको कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे केसेस में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लिमिट को जीरो बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, अगर आप लिमिट को जीरो बना दोगे तो ये जान लीजिए कि क्वेश्चन आपका किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि जो भी आपने लिमिट्स पढ़ रखी हैं उसमें से अधिकांश लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के लिए पढ़ी है। आगे भी जो पढ़ोगे अधिकांश लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की ओर ही पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि अगर आप लिमिट को जीरो बना देते हो, मेक लिमिट टू जीरो बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, अगर आप लिमिट को जीरो बना देते हो तो ये मान के चलिए कि वो जरूर किसी ना किसी सिंपल फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस लिमिट को जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स को टी पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्स पाई बाई टू की ओर मूव करेगा तो हमारा टी जो है वो जीरो की ओर मूव करेगा। ठीक, अगर x पाई बाई टू की ओर मूव किया तो t जीरो की ओर मूव किया, और ये क्वेश्चन बदल जाएगा किसमें, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos x, x की जगह पे देखिए मैं लिख सकता हूं क्या, x को इधर ले जाओ t को इधर ले जाओ, x की जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस टी, यहां से टू कॉमन निकाल लो और यहां पे अंदर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स को हमने क्या पुट किया, टी पुट किया, तो मैं डायरेक्टली लिखे देता हूं टी। ठीक, टी, अब अगले स्टेप में देखिए बनेगा लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो कॉस पाई बाई टू माइनस टी बनेगा साइन टी, नीचे आएगा टू टी,
तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब आप लिमिट को 0 की ओर बना दोगे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखने लगेगा। देखो ये आपके पास बन गया ना साइन टी बाई टी, और साइन टी बाई टी क्या होता है, वन, और इसलिए आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ। तो यहां से क्या अप्रोच आप सीख रहे हो, यहाँ पे अप्रोच ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि क्वेश्चन में अप्रोच नहीं समझ में आ रही कि क्या करना है, तो आप क्या करो, आप उस लिमिट को जीरो बना दो। लिमिट को जीरो बना दोगे तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इनवर्स वाला फॉर्मूला है, और पता ये भी वन होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन, इसका फॉर्म चेक करिए, ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है। पहले इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसका यूज देखते हैं, फिर इस पे प्रिकॉशन देखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इसका प्रूफ करना है तो वन ऑफ द प्रूफ इज बाय सीरीज एक्सपेंशन, द अदर प्रूफ इज बाय एल हॉस्पिटल रूल। फिलहाल मैं इसको दो में से किसी में से नहीं, मैं तीसरे प्रूफ से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, ये मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, अगर एक्स जीरो की ओर मूव किया तो आपका थीटा भी जीरो की ओर मूव करेगा, और ये क्वेश्चन बदल जाएगा किसमें, लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बनेगा थीटा अपॉन एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया वन। तो ये हो गया इसका एक इजी प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के बाद इसका यूज देखा जाए, इसका यूज भी टोटली आइडेंटिकल विथ साइन एक्स बाई एक्स है ना। क्या क्या, पहला कि साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी जीरो की ओर मूव करनी चाहिए। ठीक है, द इनपुट ऑफ साइन इनवर्स एक्स मस्ट मूव टूवर्ड्स जीरो। तो पहली कंडीशन क्या मैंने बताया कि साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो जीरो की ओर मूव करना चाहिए, द इनपुट ऑफ साइन इनवर्स मस्ट। दूसरा, वही सेम चीज नीचे चाहिए, या मैंने शॉर्टकट बताया कि अगर साइन इनवर्स का इनपुट जीरो की ओर मूव करे तो आप साइन इनवर्स हटा दो, सिर्फ वही फंक्शन लिख दो। तो दूसरा क्या, नाउ रिमूव, देन रिमूव साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद आप साइन इनवर्स को रिमूव कर दीजिए, तो सीधे हम लोग शॉर्टकट लगा के और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो देन रिमूव साइन इनवर्स, उसके बाद आप साइन इनवर्स को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हो। क्लियर, बिल्कुल साइन एक्स बाई एक्स के जैसा ही यूज है और कोई डिफरेंट यूज नहीं, बस देख लेना साइन इनवर्स का इनपुट अगर जीरो की ओर जा रहा तो साइन इनवर्स हटा देना बाय द शॉर्टकट। अब यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन भी एकाक आपको रखनी पड़ेगी, तो वो प्रिकॉशन देखते हैं क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे प्रिकॉशन को लिखने के पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा कि क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन साइन इनवर्स एक्स, तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छा वन पुट कर दें तो साइन इनवर्स वन हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। वन पुट करेंगे तो साइन इनवर्स वन कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। लेकिन लिमिट का मतलब आपको पिछली क्लासेस में पता है कि वन पे हमें एग्जैक्टली वैल्यू से लेना देना नहीं है, बल्कि वन के नाइबरहुड में लेना देना है। तो जरा इसका राइट हैंड लिमिट चेक करिए, तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक करोगे तो आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स, जो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स का इनपुट जो है वो वन से थोड़ा सा बड़ा डाल रहे हो, लेकिन आपको पता है साइन इनवर्स वन से थोड़े से बड़े नंबर के लिए बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता। LHL इज डिफाइंड, ठीक है, LHL इज फाइन। LHL क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन साइन इनवर्स, सॉरी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस, माइनस वन नहीं, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस साइन इनवर्स एक्स।
इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर आप वन से थोड़ा सा छोटा नंबर डाल रहे हो, तो ये पाई बाई टू की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। तो और जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई टू आ रही, फंक्शन वैल्यू पाई बाई टू है, तो प्रैक्टिकली जो है तो हम इसको बोल देंगे कि चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई टू होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आरएचएल जो है वो डिफाइन नहीं है, आरएचएल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आए तो बी केयरफुल अबाउट डोमेन, डोमेन के अबाउट बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसमें डोमेन वाला लफड़ा बहुत फंस जाता है, कई बार चीजें डोमेन से बाहर होने लगती हैं। तो इसको एक बार चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा, तो ये आपकी प्रिकॉशन रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन, बी केयरफुल अबाउट डोमेन इन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रिकॉशन के लिए जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और कॉस इनवर्स ऑफ, और मान लीजिए लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा कॉस इनवर्स पे, ठीक है, इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, और लग भी रहा तो ये बहुत बड़ा इनपुट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हो। इसको सिंप्लीफाई करना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिखाया गया है, याद करिए। आप यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा अगर पुट करोगे तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, कॉस टू थीटा का, और कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा किसमें बदलेगा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा बदलेगा टू थीटा, थीटा इज टेन इनवर्स x, और ऐसा फिर। तो कहने का मतलब ये कि ऑलवेज यू विल सिंप्लीफाई बिफोर अप्लाइंग द लिमिट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां से कुल मिला के यही दो आपके पास प्रिकॉशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम में, आप ये दो प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा। पहला प्रिकॉशन क्या मैंने बताया, बी केयरफुल अबाउट डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन पे केयरफुल रहिएगा, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया ना कि इसका आरएचएल सच में देखा जाए तो डिफाइन नहीं है, तो डोमेन पे केयरफुल रहिएगा। दूसरा, ऑलवेज यू विल सिंप्लीफाई, पहले हमेशा आपको क्या करना है, ऑलवेज सिंप्लीफाई आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। ठीक है, लिमिट लगाने के पहले आपको क्या करना है, पहले आईटीएफ को जो है वो सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ही लिमिट लगाना है। तो जब ये दो प्रिकॉशन आप ध्यान में रखोगे तब जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लिमिट के क्वेश्चन को इजीली कर सकोगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे फॉर्मूले पे, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x डिवाइडेड बाई x, इसका फॉर्म चेक करो तो क्या है, जीरो tan जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो, इसकी भी वैल्यू होती है वन, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x बाई x क्या होता है, वन, इसको याद रखिएगा। इसका प्रूफ देखिए, वन ऑफ द प्रूफ इज बाय सीरीज एक्सपेंशन बाद में करेंगे, वन ऑफ द प्रूफ इज बाय एल हॉस्पिटल बाद में करेंगे, अभी हम इसको जो है ना तो साइन और कॉस में बदल के करते हैं, और ये भी एक अप्रोच है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कई बार टेन के क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व नहीं होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो कैसे, साइन और कॉस में बदल के। जैसे आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये एक्स तो था ही, अब ये ना साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये फॉर्मूले से बन गया वन, और ये कॉस जीरो भी बन गया वन, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन। यहां से इस प्रूफ से आपने क्या अप्रोच सीखी, इस प्रूफ से अप्रोच सीखने वाली है कि कई बार टैन के क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल के सॉल्व किया जाता है। ठीक, इसका यूज कैसे करोगे, यूज इज अगेन टोटली आइडेंटिकल विथ साइन एक्स बाई एक्स,
है ना, कि अगर साइन का इनपुट जीरो की ओर मूव कर रहा तो आप शॉर्टकट में साइन हटा के वही इनपुट लिखते हो, वही सेम चीज यहाँ पे करना। अगर टेन का इनपुट जीरो की ओर मूव कर रहा है तो आप शॉर्टकट में टेन हटा करके वो इनपुट डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है। तो यूज इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं क्या, सिमिलर टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, जैसा इसका यूज मैंने डिस्कस किया था वैसा ही इसका भी यूज है, वैसे ही आप यहां भी शॉर्टकट लगा सकते हो। तो इसका यूज जो है वो टोटली सिमिलर है, इसलिए कुछ इसमें हमें अलग से नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कौन सा, फोर्थ फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन इनवर्स एक्स बाई एक्स। ये भी 0/0 फॉर्म है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। इसका प्रूफ भी नहीं करेंगे, इसका प्रूफ भी बिल्कुल पीछे जैसे इनवर्स वाले का किया था, क्या इसमें अगर आप x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो आप इस तरीके से इसका प्रूफ कर सकते हो। इसका यूज भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज भी वैसे ही है, अगर tan इनवर्स का इनपुट जीरो की ओर जा रहा तो आप शॉर्टकट से tan इनवर्स हटा दो। इसमें प्रिकॉशन भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी भी प्रिकॉशन वही है जो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की, क्या बी केयरफुल अबाउट डोमेन, और दूसरा ऑलवेज सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। तो बस ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं आपके पास, चार फॉर्मूले लिखे हैं लेकिन इफेक्टिवली आप दो ही फॉर्मूला मान के चलिए, क्योंकि अगर ये है तो इसके इनवर्स का भी फॉर्मूला वैसे ही होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स अगर 1 है तो उसके इनवर्स का भी फॉर्मूला वैसे ही होता है ना। तो इफेक्टिवली बहुत कम फॉर्मूले हैं आपके पास और इतने कम फॉर्मूलेज में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अप्रोच भी फिक्स्ड है, अप्रोच मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताई है, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, कंडीशन मैंने आपको बताई है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद आप पैकेज का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर ले जाओगे। चलिए इसके बाद कुछ हम लोग सम मोर फैक्ट्स या सम मोर रिजल्ट्स, आप चाहे तो इसको डाल दो, अब ये रिजल्ट नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जिससे आपको लिमिट को सॉल्व करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी साइन एक्स क्या होगा, या एक ही चीज है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स क्या होगा, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ये क्या होगा चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। साइन का इनपुट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो साइन का इनपुट जो है ना वो बहुत ही बड़ा नंबर जा रहा है, तो आउटपुट में क्या देगा। देखो साइन का इनपुट अगर बहुत बड़ा है तो कितना भी बड़ा हो जाए आउटपुट तो वो -1 से 1 के बीच ही देगा, लेकिन कितना देगा ये नहीं बोल सकते हो भाई। एक्स अगर बहुत बड़ा है, साइन के अंदर इनपुट बहुत बड़ा है, तो ये क्या आउटपुट देगा ये तो श्योर नहीं है, लेकिन एक बात श्योर है, ये जो भी आउटपुट देगा ये -1 से 1 के बीच देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी तो वही है, साइन का इनपुट जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, क्या आउटपुट देगा दैट इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो भी देगा ये -1 से 1 के बीच में देगा। तो यहाँ पे इस टाइप की लिमिट से रिलेटेड मैं दो पॉइंट बता रहा हूँ। अगर कोई पूछे लिमिट तो आप बोलना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि क्या आउटपुट आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये जो भी आएगा रिप्रेजेंट करेगा अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। ये जो भी आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो इससे रिलेटेड ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स कितना आएगा। देख लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स कितना आएगा, ये ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट्स, ठीक है, क्वेश्चन में यूज पड़ेगा। तो पहले तो इसका फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करोगे तो अगर एक्स जीरो की ओर मूव कर रहा है, ये वाली क्वांटिटी अगर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो इसका फॉर्म है देखो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इंटू, ये क्या है, ये 1/0 इन्फिनिटी साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या आउटपुट देगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये देगा अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1।
आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? देखो तो अगर आप टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में एक माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू का मल्टीप्लाई करो, या आप नियर अबाउट जीरो में माइनस वन से वन के बीच का मल्टीप्लाई करो, तो आपको हमेशा जीरो ही तो आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। कॉन्सेप्चुअली समझिएगा फॉर्म, ठीक है ना? ये क्या है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इंटू अ वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये प्रैक्टिकली आपको नियर अबाउट जीरो देगा, ठीक है भाई? अच्छा, इसी में अगर हम एक पॉइंट डिस्कस करें कि अगर इसी में लिमिट हम बदल दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये है एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, तब ये कितना देगा, ठीक है? क्या कर दिया हमने, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ये कितना देगा? देखिए यहाँ पे अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा तो साइन का इनपुट 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो की ओर जा रहा है। अगर साइन का इनपुट जीरो की ओर जा रहा है तो बाय द शॉर्टकट आप साइन को हटा के 1 अपॉन x लिख दो, और 1 अपॉन x का और ये x x कट जाएगा और ये कितना देगा, 1। हालांकि आप इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन x, और इस x को नीचे ले जाओ 1 अपॉन x, और देखो अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा तो साइन का इनपुट जीरो की ओर जा रहा है, और वही सेम चीज नीचे भी है, तो इसलिए बाय द फॉर्मूला ये 1 बन जाएगा। चाहे आप प्रोसेस से करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो, देखो दोनों को ध्यान से देखो, तो ये दोनों सेम फंक्शन पे लिमिट लगी है, ये दोनों एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स पे। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो ये जीरो आउटपुट देगा, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो ये 1 आउटपुट देगा, ठीक है? चलिए इसी तरीके से एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है पहला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स ये कितना होता है, 1। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स जो है ये कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स ये कितना होगा? तो इसके लिए देखिए पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं। अगर एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो साइन का इनपुट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, साइन का इनपुट अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो साइन ऑफ इन्फिनिटी ये क्या देगा ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि ये एक वैल्यू देगा, अ वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो जरा सोचिए, अगर माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये डेफिनेटली जीरो देगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स जो है ये क्या होता है, जीरो होता है, जबकि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने आपको इनके यूज सिखाए हैं, जो प्रिकॉशंस बताई हैं, वो सारे मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू वापस रिपीट कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इतने में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री टेन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। नाउ इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी अप्रोच जो मैंने थ्योरेटिकली डिस्कस की है अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। चलिए देखा जाए क्वेश्चन किस तरीके से इसको करना चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करिए, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक? अगर आप x पाई बाई थ्री रखोगे तो टेन पाई बाई थ्री या टेन सिक्सटी रूट थ्री, रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो, और यहाँ पे अगर रखोगे पाई बाई थ्री तो पाई स्क्वायर बाई नाइन, नाइन नाइन कैंसिल, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। एल हॉस्पिटल मना है, ठीक है ना, किसी भी में एल हॉस्पिटल मना है, अभी प्रॉपर प्रोसेस से करना है। तो पता है मैंने कई अप्रोच बताई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, तो मैंने एक अप्रोच बताई थी कि अगर कुछ ना समझ में आए तो लिमिट जीरो बना दो,
तो जरूर आपको कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो लिमिट जीरो बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच थी। चलो इससे करते हैं, ठीक है। मेथड वन, यहां पे लिमिट को जीरो बनाने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करो? एक्स माइनस पाई बाई थ्री को टी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब x पाई बाई थ्री की ओर मूव करेगा तो t जीरो की ओर मूव करेगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। देखो लिमिट जीरो बना दिया। अब मैं एकदम श्योर हूं कि ये जरूर किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बदल जाएगा, समझे। और फॉर्मूले में बदल जाएगा और आपका क्वेश्चन जो बाकी बचा हुआ है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जब x t टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो तो ये आपके पास आया tan ऑफ x की जगह पे आप रख दीजिए पाई बाई थ्री प्लस टी माइनस रूट थ्री। नीचे यहां से नाइन कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई नाइन। अभी यहां पे टी पुट करते हैं, ठीक है ना। अगले स्टेप में देखिए लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब इसको टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाई थ्री मतलब रूट थ्री प्लस टेन टी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन पाई बाई थ्री इंटू टेन टी माइनस रूट थ्री, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन। नीचे आइए, नीचे जो है नाइन इंटू, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये एक बनेगा एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो अभी लिख देते हैं एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू एक्स प्लस पाई बाई थ्री। ओके नाउ अब यहाँ पे x माइनस पाई बाई थ्री को t पुट कर दो। इसको x माइनस पाई बाई थ्री को आप क्या पुट कर दो? t पुट कर दो। ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे किए दे रहा हूँ फर्स्ट मेथड का, ठीक। जब x माइनस पाई बाई थ्री को t, तो आपके पास देखिए क्या बना? ये बना लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और इसको एलसीएम लेके जरा सिंप्लीफाई करो तो रूट थ्री प्लस टेन टी माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री टेन टी। नीचे ये नीचे चला जाएगा, सो नाइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री की जगह पे आप क्या लिखोगे? टी इंटू एक्स प्लस पाई बाई थ्री। एक्स की जगह पे आप लिखो पाई बाई थ्री प्लस टी। तो एक्स की जगह पे जब पाई बाई थ्री प्लस टी लिखोगे तो पाई बाई थ्री प्लस टी प्लस पाई बाई थ्री कितना हो गया? टू पाई बाई थ्री प्लस टी। और ये नीचे आया देखिए कितना? वन माइनस रूट थ्री इंटू टेन टी, ठीक। अब टी की वैल्यू देखो यहां पे ध्यान से सुनना, ये रूट थ्री कैंसिल, क्या बचा? लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ऊपर बचा थ्री टेन टी प्लस टेन टी हो गया फोर टेन टी। नीचे देखिए बना नाइन इंटू टी। मैंने बोला था ना डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम दिखने लगेगा, तो आपको दिख रहा है देखो टेन टी बाई टी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। अच्छा यहां पे देखो इसके बारे में, ये जो है ये मल्टीप्लाई में है और ये t इक्वल टू जीरो रखने पे ये नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इस पे लिमिट पुट करके इसको साइड कर लो। तो इस पे जब t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये टू पाई बाई थ्री, इसको साइड कर लो तो ये नीचे बाहर आ जाएगा थ्री अपॉन टू पाई। इस पे जब जीरो पुट करोगे तो ये भी आपका नॉन जीरो फाइनाइट है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस पे भी लिमिट पुट करके साइड कर दो। तो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना तो ये बनेगा वन। और ये देखो tan t बाई t क्या बन गया? वन। और ये बना देखो फाइनल कितना है? थ्री अपॉन टू पाई मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई नाइन। बस यही आंसर है, कैंसिल कर दो, टू से ये टू, थ्री से ये थ्री। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई। टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई इज द फाइनल आंसर। और ये है आपका मेथड नंबर वन। तो ये मेथड वन क्लियर है क्या है? मेथड वन ये है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लिमिट को जीरो बना दीजिए, डेफिनेटली कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। प्रियांशु आपने सही आंसर दिया। अब देखिए इसका दूसरा मेथड, मेथड टू। बस मेथड मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपकी अप्रोच क्लियर रहे, ठीक है। सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए, बाकी आप एग्जैक्टली कौन सा मेथड लगाओगे वो आपको जो आसान लगे वो लगा देना। तो क्वेश्चन क्या था? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री टेन एक्स माइनस रूट थ्री
नाइन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। देखिए टेन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री, और अब हम इसको मेथड टू से करने जा रहे हैं। मेथड टू एक मैंने आपको बताया था, याद करिए कि आप इसको टेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना साइन कॉस में बदल दो, बताया था ना। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई थ्री, इसको साइन कॉस में बदलो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे चला गया, इसमें से नाइन कॉमन निकाल लो, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई नाइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। अगले स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री, आगे देखिए। अब ये साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स है, अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये साइन एक्स कॉस एक्स को आप सिंगल साइन में रिड्यूस करो ताकि फॉर्मूला लगे सिंगल साइन में, और वो भी साइन का इनपुट जीरो की ओर मूव करे, कुछ ऐसा रिड्यूस करो। एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई थ्री है, तो ऐसा काम आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कराया है। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे रिड्यूस किए थे, याद करिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, याद करो तो ऐसा आपने किया था। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए थे। तो अगर आप इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस करना चाहते हो तो आप इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब थ्री, मतलब टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो टू से जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो टू इंटू आपके पास बना वन बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस एक्स, और नीचे देखिए नाइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू एक्स प्लस पाई बाई थ्री इंटू कॉस एक्स। नाउ अब ये देखिए इसको सिंगल साइन में बदल दिया ना, ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो टू बाई नाइन निकाल लो बाहर, ये इस पे पाई बाई थ्री रखोगे तो नॉन जीरो फाइनाइट है, इसको भी निकाल लो बाहर, कितना बनेगा टू पाई बाई थ्री, इसको निकाल लो बाहर, तो टू पाई बाई थ्री निकालोगे बाहर तो टू पाई बाई थ्री, इस पे पाई बाई थ्री पुट करोगे तो नॉन जीरो फाइनाइट है प्रोडक्ट में, इस पे भी वैल्यू पुट करके निकाल लो बाहर, तो कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है वन बाई टू, तो ये भी निकाल लिया बाहर। अब आपके पास अंदर पता है क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई थ्री, और ये देखो ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये बन गया साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस पाई बाई थ्री, और ये देखिए ये फिर से बन जाएगा वन, और आपका फिर से वही सेम आंसर आ जाएगा जो पिछले वाले मेथड में आया था। तो व्हाट इज द सेकंड मेथड, दूसरा मेथड है कि आप टेन के क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो, ठीक है। तीसरा मेथड भी है इसमें, ये सारी अप्रोचेज आप ध्यान रखिएगा। जैसे तीसरा मेथड क्या है वो सुनिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई थ्री टेन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन, इसको नाइन कॉमन निकाल के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई नाइन। तो तीसरा मेथड यह है कि आप इसको डायरेक्टली टेन के सिंगल फंक्शन में बदलो, इसको टेन के एक सिंगल फंक्शन में बदलो ताकि टेन का इनपुट जीरो आ जाए। तो टेन के एक सिंगल फंक्शन में ताकि टेन का इनपुट जीरो आ जाए, तो हम एक काम करते हैं, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई थ्री आई विल राइट टेन एक्स माइनस टेन पाई बाई थ्री अपॉन नाइन इंटू, ये क्या है एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू एक्स प्लस पाई बाई थ्री। अब देखो टेन ए माइनस टेन बी को एक सिंगल टेन में कैसे बदलते हो, ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में कर रखा है, मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूँ। टेन ए माइनस टेन बी को आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हो, इट इज टेन ए माइनस बी इंटू, ठीक है, क्या क्या लिखोगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में क्या आता था वन प्लस टेन ए टेन बी, यहां हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो इस रूल से जब आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई थ्री और ऊपर न्यूमरेटर बना टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इंटू क्या बनेगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। नीचे देखिए ये है नाइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू क्या बना एक्स प्लस पाई बाई थ्री, और ये देखिए ये बनेगा फिर से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला वन बन जाएगा, बाकी पे पुट कर दो पाई बाई थ्री, अब सब नॉन जीरो फाइनाइट है और फिर से आपको वही आंसर मिलेगा क्या टू अपॉन थ्री पाई। तो इस क्वेश्चन को हमने देखिए तीन तीन मेथड से डिस्कस किया, बेसिकली मेथड नहीं है अप्रोचेज हैं,
क्या क्या अप्रोच है, टेन के क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल के, सिंगल साइन में बदल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। अगली अप्रोच क्या थी कि आप यहाँ पे सिंगल टेन में भी बदल सकते हो टेन ए माइनस टेन बी को, कैसे, यू कैन राइट इट टेन ए माइनस बी इन टू। एंड लास्टली, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो ये रास्ता तो है ही है कि आप लिमिट को जीरो बना दो, एकदम श्योर है कि वो किसी ना किसी फॉर्मूले में बदलेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन से ज्यादा ये अप्रोचेज आपको सिखा रहा है, समझे ना। तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं अगली मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में, और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं और बाकी पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।